आज मैं आपको बताना जा रहा हूं दुबई का वीज़ा कैसे मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे बिना एम्बेसी के या काउंसिल के चक्कर काटे आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो दुबई के लिए सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट, जो कि कम से कम 3 महीने की वैलिडिटी रखता हो और 2 पेज उसके अंदर ब्लैंक हो। दुबई का वीज़ा ई वीज़ा है, आपको ईमेल के थ्रू आएगा, उसका आपको प्रिंटआउट लेके जाना है। उसके लिए आपको अपना होटल चलेगा, लेकिन अगर पेमेंट नहीं है तो आप booking.com के थ्रू करवा लीजिए, तो वो लोग भी मानते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के अंदर आपके लिए फ़्लाइट का कंफर्म टिकट रिटर्न ये कंपलसरी है, और कई बार ये लोग हेल्थ पॉलिसी या आपका टूरिस्ट जो रहता है इंश्योरेंस वो लोग भी मांगते हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेक माई ट्रिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, करीब 6,500 रुपये ये लोग चार्ज करते हैं उसका। और उनकी जस्ट साइट पे लॉगिन कीजिए और वीज़ा के सेक्शन के अंदर उन्होंने दे रखा है यूएई का, अपना पासपोर्ट का फ्रंट और लास्ट पेज, आपकी एयर टिकट ही सिर्फ आपको अपलोड करनी है, और वाइट बैकग्राउंड के अंदर आपका फ़ोटो, और 6,500 रुपये का आपको पेमेंट करना है। मेरा वीज़ा उन्होंने शनिवार को अप्लाई किया था और मंडे दोपहर में मेरे पास मेरा वीज़ा आ गया था, तो मुझे लगता है इससे ईजी कुछ और होगा। तो आप आराम से मेक माई ट्रिप के थ्रू अप्लाई कीजिए और कहीं को जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और 1 या 2 दिन में वीज़ा आपका लग के आ जाएगा। जब भी आपका वीज़ा लग जाए और आप दुबई पहुँचते हैं तो बस आप ये ध्यान रखिए, जो आपका जनरल अपने इंडियंस लोग कुकीज़ वगैरह लेके जाते हैं या साथ में खाने के लिए, तो कुकीज़ वगैरह में खसखस पॉपी शीट्स जिसको बोलते हैं वो किसी भी रूप में ना हो। कुकीज़ के ऊपर कई बार वो लोग चिपका देते हैं या चूरा होता है उसके अंदर, तो पॉपी शीट्स यहाँ बैन हैं क्योंकि ये अफीम के बीज होते हैं और दुबई का नार्कोटिक्स बहुत ज़्यादा गंदा है, आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, और अगर कुछ भी ऐसी स्टेरॉइड्स वगैरह अगर आप जो यूज़ करते हैं नींद की दवाई वगैरह, तो बेटर है आप एक गवर्नमेंट डॉक्टर से एक अच्छी राइटिंग में एक अच्छे फॉर्म में एक प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि आजकल ये लोग चेकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं माइग्रेन के लिए जो दवाई लेता हूँ वो भी शेड्यूल एच में आती है, तो मेरे से पूछ लिया गया कि इसका आपका प्रिस्क्रिप्शन है क्या, तो हालांकि लकीली था मेरे पास में लेकिन उन्होंने पूछ लिया था। तो एक तो दवाई का जो भी आपका पर्चा रहेगा डॉक्टर का वो आप साथ में कैरी कीजिए, और खाने में स्पेशली खसखस जो है वो आप रहन दीजिए, मत लेके जाइए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एयरपोर्ट पे आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और रेटिना स्कैन जो होता है वो होगा। जैसे मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि मेरी आईज़ थोड़ी छोटी है, कम खुलती हैं, तो मुझे 3-4 काउंटर चेंज करने पड़ते हैं कि यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, और लास्ट में बोलता है कि ओपन योर आईज़, तो मैं बोलता हूँ नहीं सदा नहीं खुलती, तो मुझे दोनों हाथों से खोलो, और वो जैसी महंगी महंगी फोटो निकाल के मुझे रवाना कर देता है। कुल मिला के चिल, आराम से वीज़ा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।